दिल्ली के द्वारका जिले की सेल अगेंस्ट इलीगल फॉरेनर एंड नारकोटिक्स की टीम ने नशे के कारोबार में लिप्त एक अफ्रीकन ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान चिगोजी इबोए इजेले किंग के रूप में हुई है। ये नाइजीरिया का रहने वाला है। पूछताछ में उसने बताया कि वो साल 2014 में 3 महीने के मेडिकल वीजा पर इंडिया आया था और मुंबई में वो किराए पर रहता था। पिछले साल वो दिल्ली शिफ्ट हो गया। उसने बताया कि वो उत्तम नगर में रह रहे एक अफ्रीकन जेम्स से एम्फेटामीन ड्रग्स की खेप लेता है और उसे उसके ठिकानों के बारे में भी जानकारी है। डीसीपी शंकर चौधरी ने इस गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में ड्रग्स सिंडिकेट और इसकी सप्लायरों की पकड़ के लिए CAIFAN की टीम लगातार जानकारियों को विकसित कर इनकी पकड़ के लिए लगी रहती है और सूत्रों को सक्रिय कर संदिग्धों पर नजरें बनाए रखती है। पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर ACP ऑपरेशन विजय सिंह यादव की देखरेख में SI सुभाष चंद्र के नेतृत्व में ASI कतार सिंह, हेड कांस्टेबल मोबिन, कांस्टेबल रवि प्रवीण और महिला कांस्टेबल सोनू की टीम का गठन कर सेक्टर 14 के मेट्रो पिलर नंबर 902 के पास ट्रैप लगाया, जहां उन्होंने सेक्टर 14 मेट्रो स्टेशन की तरफ से स्कूटी से वहां पहुंचे अफ्रीकन को दबोच लिया। आरोपी की तलाश के दौरान सफेद पॉलिथीन में उसके पास से 76 ग्राम सफेद पदार्थ बरामद किया, जिसके एम्फेटामीन होने की पुष्टि की गई। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 76 लाख रुपए बताई जा रही है, जिससे उसे बरामद स्कूटी और मोबाइल समेत पुलिस ने जब्त कर उसे हिरासत में ले लिया।